महाराष्ट्र महाराष्ट्र कौन है आप? देवबंदी है, बरेलवी है? तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा. हाँ नदीम भैया. हाँ हेलो. हाँ आप कौन बोल रहे हैं? मैं अब्दुल माजिद बोल रहा हूँ. जी अब्दुल माजिद साहब, तो कहाँ मतलब कौन से मसलक से हैं? देवबंदी, बरेलवी? मसलक अहले सुन्नत वल जमात. अच्छा बरेलवी ना. देवबंद. अच्छा देवबंद क्या? देवबंद. अच्छा हाँ. अच्छा मौजू क्या है? मौजू क्या? मसला क्या था? मसला नहीं मसला. हेलो. हाँ जी. हाँ क्या मसला था आपका? फरमाइए किस मौजू पे बात करनी है बताइए अब्दुल माजिद भाई. अरे फोन आपने लगाए है ना? हाँ. तीन तलाक फोन लगाने के बाद भी आप कहोगे ये अंदर चले जाती क्या? तीन तलाक के मसले पर बात करिए. तीन तलाक तो किसकी तीन तलाक हुई? तीन तलाक किसकी हुई है? तीन तलाक पे दावा बोलो नदीम भैया क्या है दावा. अरे पहले तुम्हारा दावा बोलो किसकी हुई है. हाँ मैं बोलता हूँ तीन तलाक तीन होती है. हाँ, एक मस्जिद में दे या अलग अलग मस्जिद में दे. हाँ, तो तीन तलाक तीन होती है. हाँ, हाँ, फिर फरमाइए कि क्या कहते हैं. फिर आप बताइए कि एक मस्जिद की तीन तलाक क्या होती है. एक मस्जिद में बोलने वाली तीन तलाक एक ही होती है. अच्छा तीन नहीं होती. दलील अब तुम पहले दलील दो तुम्हारे दावे पे. ठीक है. इमाम बुखारी रहीमुल्लाह ने बाब कायम किया बाब उमन अजाजत तलाक. नहीं ये तो तुम्हारे आपके उसूल के खिलाफ है. क्या क्या खास? इमाम हनीफा का उसूल है कि कोई मसला मैं कुरान में देखूंगा, हदीस में देखूंगा, सहाबा के फतावे में देखूंगा, जब नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपना इज्तिहाद करूंगा. तो आप तो कुरान छोड़ दिए, हदीस छोड़ दिए, सहाबा को छोड़ दिए, डायरेक्ट इमाम बुखारी पे पहुंच गए. तो सर बुलंद का देवबंद तो रहा ही नहीं ना. सर तो झुक गया तुम्हारा. बीच में मत बोलो अब्दुल माजिद साहब. लुकमा मत दो उनसे बात करने दो. असल में उनकी पिटाई होगी तुम्हें तकलीफ होगी. तुम्हारा सर बुलंद कब नहीं है? तुम्हारा सर झुका हुआ है. अरे नदीम गैर मुकल्लफ. अरे बीच में बड़बड़ मत कर भाई. तो अरे मुनाजरा करना क्या? मुनाजरा की शरायत के लायक भी नहीं हो तुम. मुनाजरा करना बहुत दूर की बात. हाँ अभी उसको बोलने दे. उसने इमाम हनीफा का उसूल क्यों तोड़ा? आपस में बातें मत करो. आपस में बातें मत करो. मुनाजरा कर रहे हो कि आपस में बातें कर रहे हो? जल्दी बताओ तुमने इमाम हनीफा का उसूल क्यों तोड़ा? देवबंदी होके उनको बोला खामोश रहे. मेरे बीच में हाँ माजिद भाई खामोश रहो. तुम्हारे को खामोश रहने का बोल रहे हो. अरे बोलना. तेरी आवाज क्यों बंद हो गई अब्दुल्ला? चुप से खामोशी. अरे वो उसूल सुन के इमाम हनीफा का हैंग हो गया हो. सर बुलंद नहीं तुम्हारा सर झुक गया अभी. अरे कितना बड़ बड़ आता है ये हदीस अखबार. अबे तुम आपस में बातें कर रहे हो ना दोनों. खबीस क्यों बोल रहे अब्दुल माजिद को? अब्दुल माजिद भाई तुम खबीस हो क्या? दो मिनट की टर्म. अरे सुनो तो यार दो दो मिनट की टर्म है. अरे तो अब्दुल माजिद भाई से क्या बात कर रहे? मेरे से करना. हाँ तो वही तो तुम सही तो बोल रहे हो. तो वो तो बीच में तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो. सर बुलंद कब नहीं? सर झुका हुआ है तुम्हारा और बड़बड़ा. सर बुलंद कब नहीं? सर झुका हुआ बड़बड़. हाँ क्या सुनो? अबे तेरे दावे पर दलील दे पहले कि एक वक्त में दी हुई तीन तलाक तीन हो जाती है. दलील दे. हाँ ठीक ठीक. हाँ कुरान से दलील दे. चल. हाँ ठीक है. हाँ उसको सुनना. अच्छा सुना देखो कुरान कहता है. अरे इतना आवाज किसके पास आ रही है यार? अरे वो अब्दुल माजिद भाई का दिमाग भी खराब है, मोबाइल भी खराब है. अरे चुप रहा मेरा पागल बन गया. और ये दुनिया की मैंने कोई पानी रोजी में भी सुला दे. हाउजो सही पढ़. हाउजो तस्मिया सही पढ़. अस्तगफुरुल्लाह. मेरे बीच में मत बोल. मेरे बीच में मत बोल. सही पढ़. कुरान गलत पढ़ रहा है. अबे गैर नहीं होता, गैर होता है. गैन है वो, गाफ नहीं है. अबे यहूदी थे. अब्दुल माजिद से बात करके बता अरबी में. चल चल तकल्लुम अरबिया करके बता अब्दुल माजिद से. चल कर 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 जल्दी. अब्दुल माजिद से बात कर जरा अरबी में. मैं देखू तेरे को कितनी अरबी आती है और अब्दुल माजिद को कितनी आती है. आदत चली गई. ए, वो नेटवर्क खराब है. नेटवर्क खराब है. आवाज नहीं आ रही तेरी.
अबे तेरा मजहब मनहज जिस तरह खराब है उस तरह नेटवर्क भी खराब है। नहीं बोलने जरा, देख रहे नहीं बोलने जरा, अब तो आवाज ही नहीं आ रही ना, समझ में ही नहीं आ रही है। तू सामने आता तो तेरी माँ मर जाती है। अबे तेरे तू क्या जिन्न है क्या, ये आतंकवादी है तेरे से सामने आने माँ मर जाएगी। चुप खामोशी सर। क्या चुप 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 क्या रोकिया वोकिया कर रहा है क्या? अरे यार खामोश दावे पे दलील दे चल। हम सुने ये कुरान क्या पढ़ी और कुरान की तस्वीर हम हदीस से पेश कर रहे हैं। इमाम बुखारी रही मौला मुतवक्कल पहले ये बता के कुरान में कब कहा कि एक वक्त की तीन तलाक होती है? अरे झूठ बोला इसने कुरान पर। अरे यार खामोश। अरे तो पाँव पकड़ ले, तू मेरे पाँव काई को पकड़ ले भाई अब्दुल माजिद। पाँव मत पकड़ भाई, कुरान बता कुरान की एक वक्त की तीन तलाक तीन होती है। बता बता कुरान बता। अपने अपनी बात करना इमाम बुखारी। फिर इमाम बुखारी तो पहुंच गया, मैं बोला कुरान बता। अरे यार ये अरे तुमने कहा तो पार्लियामेंट में भी हमारी मुसलमानों की नाक कटवा दी है तुम पर। पार्लियामेंट में भी गैर कौम थूक रही थी कि इनके पास एक वक्त की तीन तलाक की कुरान से कोई दलील नहीं है। तुमने हमारे पूरे उम्मत मुस्लिमा की नाक कटवा दी है पार्लियामेंट में भी। कुफार भी थूक रहे तुम पर और तुम इतने बेगरत सिर्फ थूक गिरने के बाद भी तुम्हारा सर बुलंद झुक नहीं रहा है। अरे तुमने पार्लियामेंट में जो दलील नहीं दी है क्या? एक वक्त की तीन तलाक कुरान से साबित है? आई मैं मौजू की सूरत के मोजे वोजे पहन के रखा है क्या मुँह में? जमात के नजदीक तीन तलाक तीन होती है। सीओ के नजदीक अड्डे चल तेरे बड़े भाइयों का नाम मत ले। तेरे बड़े भाइयों के इमाम भी कूफा वाले हैं और तेरे इमाम भी कूफा वाले हैं। सीओ के इमाम भी कूफा वाले, वो भी तकलीफ करते तुम भी तकलीफ करते हो। बुखारी फरमाते हैं ला उसकी कम दखल सुल कूफा, ये मालूम ही नहीं है कि मैं कूफा कितनी मरतबा गया हूँ। हाँ तो गए तो क्या हुआ, मैं भी जा सकता हूँ, उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे यार ये नदीम खामोश क्यों नहीं रहता है? खामोश तो हो जा। पहले आप अब्दुल माजिद साहब पाँव पकड़ के माफी मांगो, रिक्वेस्ट करो मेरी। अरे यार मौलाना, अरे वो मौलाना, अरे वो मौलाना मेरा जी मत खोलाना है। वो तुम्हारा मौलाना टोटल टाइम वेस्ट है, तुम्हें कुरान हदीस का नाम लेके धोखा दे रहा है मनहज सलफ के खिलाफ। गैर मनहज बात पेश कर, चल फोन रख, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मेरे बहुत काम है। वस्सलाम, जाहिलों को देखने के बाद क्या कहा जाता है? वस्सलाम।